नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने छोटा सा अपना किचन गार्डन बनाया था, जिसमें थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ लगाई थी। ये मिर्च का प्लांट है और इसमें लहसुन लगे हुए हैं। लेकिन आज का मेरा वीडियो है जो इन पर नहीं है, आज का मेरा वीडियो है ये टमाटर के पौधे पे। तो टमाटर के पौधे को मैं दूसरे पॉट में आज लगाऊंगी। जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से ही खाद वगैरह बनाते हैं, तो खाद में देखिए, जब बीज रह जाते हैं तो उनसे इस तरह से छोटे छोटे से प्लांट निकल आते हैं। तो ये टमाटर के काफ़ी सारे प्लांट हैं जो मेरी कंपोस्ट में से निकले हैं, यानी कि जब मैं किचन कंपोस्ट बनाती हूँ तो उसमें कुछ बीज वगैरह रह जाते हैं टमाटर के, तो उन्हीं में से ये पौधे लगे हैं। मैंने टमाटर के कोई भी बीज ग्रो नहीं किए हैं और ना ही पहले भी इसके प्लांट लगाए हैं, बस ये फर्स्ट टाइम ही मैं ग्रो करूँगी। हाँ, एक बार पहले भी बीच में कंपोस्ट में से ही एक टमाटर का प्लांट निकला था, जिस पर थोड़े बहुत टमाटर भी आए थे, लेकिन जब मैंने उसको ज़्यादा नहीं ग्रो किया था। लेकिन आज मैं काफ़ी सारे पौधे हैं तो उनमें से एक प्लांट को लगाऊंगी। तो उसके लिए मिट्टी जो मैंने ली है, उसमें एक हिस्सा गार्डन सोइल है, एक हिस्सा मेरा किचन कंपोस्ट है, थोड़ी सी रिवर सैंड है, और मैंने 2 चम्मच इसमें राख की डाली है। तो राख जो होती है हमारे टमाटर के प्लांट के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसमें कैल्शियम होता है जो कि टमाटर के पौधे के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो एक अच्छा सा सोइल मिक्स आपको इस तरह से बना लेना है, भूरी भूरी सी मिट्टी तैयार कर लेनी है। और देखिए, छोटे से पॉट में ही काफ़ी बड़ा ये प्लांट हो गया है, तो इसको मैं ग्रो बैग में इस तरह से लगाऊंगी। तो ग्रो बैग में मैंने नीचे अपने गार्डन की सूखी हुई पत्तियां हैं उनको डाला है, फिर ऊपर से मिट्टी की 2-3 लेयर डाल दी है, और 3-4 दिन पहले ही इसको हल्का सा गीला करके रख दिया था, ताकि नीचे जो पत्तियां हैं उनकी कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगी और ऊपर हमारा प्लांट अच्छे से लग सकेगा। अब साइडों से मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी फिल कर लूँगी चारों तरफ से। ये नीचे जब लीव्स वगैरह रहेगी तो इससे हमारा ग्रो बैग भी हल्का रहेगा और प्लांट को भी फिर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा इस तरह से। बस मैं ज़्यादा अभी इसको फिल नहीं करूँगी, थोड़ी मिट्टी ही डालूँगी और हल्के हाथों से प्लांट को हम इसमें से निकालेंगे। देखिए, 3 से 4 इंच का प्लांट हमारा हो चुका है और काफ़ी हेल्दी प्लांट लग रहा है ये। तो बस मैं इसको निकाल करके अब अच्छे से इसमें लगा दूंगी। देखिए, रूट्स इसकी काफ़ी अच्छी है, मिट्टी को हम बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे क्योंकि मिट्टी हमारी बहुत अच्छी है, तो इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। अब साइडों से इसको हल्के हाथों से दबाते हुए प्लांट को मैं सेट कर लूँगी और थोड़ी थोड़ी मिट्टी और फिल कर दूंगी। ज़्यादा मैं इसको अभी नहीं भरूंगी, जब प्लांट हमारा थोड़ा और बड़ा होगा तब इसमें मैं फिर और मिट्टी फिल करूंगी। इसके प्लांट के आसपास क्या होता है, इसकी ऊपर तक की इसकी रूट्स रहती है, तो हम एक हिस्सा बाद में इसमें मिट्टी का और ऐड करेंगे ताकि अच्छे से हमारा प्लांट सेट हो सके। अभी मिट्टी को साइडों से अच्छे से दबाते हुए आपको फिल कर लेना है, और नीचे की अगर कोई एक दो पत्ती खराब पत्ती वगैरह है तो उनको आप हटा दीजिए। तो इस तरह से ये प्लांट हमारा लग करके तैयार हो गया है, और बस थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, हल्का हल्का सा इस तरह से मिट्टी को गीला करते हुए, और इसे किसी छाया वाली जगह पे रख देंगे 3 से 4 दिन के बाद। बाद में मैं इसे अपने टेरिस पे रखूंगी जहाँ पर इसको अच्छी धूप मिलती हो। तो यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका अपडेट भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। धन्यवाद दोस्तों।